नमस्कार बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि अल्मोड़ा से आ रही है। अल्मोड़ा की रानीखेत से बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई और भांजे पर केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, जहां पर सीम गांव के ग्राम प्रधान ने केस दर्ज करवाया है। ग्राम प्रधान ने विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई और भांजे पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। और इसी मामले को लेकर रानीखेत से बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल का एक कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है, हालांकि न्यूज 18 वायरल लाख ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आज तुम्हारे गुरुजी गए थे मेरे खिलाफ भाई को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर। अरे वो एक्चुअली क्या था, पंच जी का आ गया था फोन उनको, यार हमारे इतने किधर से उनका फोन आया हुआ, उनको यार यही हूँ बदराज खान थाने में, कहाँ हो आ जाओ जरा मुलाकात कर लो। पता लगा वहाँ धोखाधड़ी की शिकायत दे रहा हूँ ना है? मैं भी कहता हूँ कि उन्होंने मेरे से कहा कि तुझे मंत्री बनाऊंगा, धोखा में रखा मेरे से 30 लाख रुपए ठगे, सब एफ आई आर कराता हूँ, बुलाता हूँ सब गवाही, अकाउंट में डबल सब बनाता हूँ, अभियुक्त करता हूँ, फते चला लेगा कभी भी सैकड़े नहीं कभी। और रानीखेत से बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल के कथित ऑडियो पर कांग्रेस ने कहा है कि इस ऑडियो की सरकार को जांच करानी चाहिए, खुद विधायक को भी सामने आकर ऑडियो के बारे में बताना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये सत्य प्रकरण होगा, इसमें कोई बात नई नहीं है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का भ्रामक प्रचार बताया है। साथ ही ये भी कहा कि सीएम धामी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं और कोई भी ऐसी घटना आती है तो कार्रवाई होती है। वो आया है ना, पुष्टि करने का काम सरकार का है, सरकार उसकी जांच कराए, सरकार बताए और खुद विधायक बताएं कि उनका ऑडियो है कि नहीं है, नहीं तो जिसने ऑडियो जारी किया उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। और ये है प्रकरण, वास्तव में ये सत्य प्रकरण होगा। मुझे लगता है कांग्रेस सिर्फ इस भ्रामक प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही पारदर्शी सरकार की पक्षधर रही है और पारदर्शी सरकार देकर के प्रमाणित भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रामक प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है। और चुनाव आचार संहिता के बीच रानीखेत विधायक के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की है। रानीखेत कांग्रेस के नेताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के जरिए गवर्नर को लेटर भेजा है और 30 लाख रुपए लेकर मंत्री बनाने की बात का जिक्र लेटर में किया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेता बीजेपी में किसी भूमिका में होंगे, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से आए हुए हर नेता को पहले बीजेपी में आकर पन्ना प्रमुख बनना होगा, जिससे उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी और जो ट्रेनिंग के दौरान बीजेपी के फॉर्मेट में फिट होगा उससे ही बीजेपी में आगे बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान कई सारे कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। जो अभी आए हैं वो अपने क्यू में लगेंगे, अभी उनके कार्य के अनुसार नीचे से श्रेणीबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अब जिसकी योग्यता जैसी होगी उस हिसाब से उनसे काम लिया जाएगा। पहले तो सभी को पन्ना प्रमुख बनना है। क्या करेंगे पन्ना प्रमुख? पन्ना प्रमुख बन के सीखेंगे पार्टी का रीति रिवाज, कैसे पार्टी काम करती है क्या करती है, ये सब उनको समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो ठीक है, अपने तरीके से लग जाएंगे और जो लाइन पर आ गया तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या बीजेपी के लिए अन्य राज्यों में प्रचार कर रखे हैं। आज सीएम धामी ने तेलंगाना के निजामाबाद में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया और यहां पर सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार अरविंद धर्मपुरी के लिए जनता से वोट मांगे और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा, जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तुष्टीकरण की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब नरसिंह महाराव थे,
मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी यही तुष्टिकरण की बात करी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक किसी का है तो एक वर्ग विशेष का है। भाइयों बहनों, अभी प्रियंका गांधी जी का मैं भाषण सुन रहा था, वो कहती है कि मेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया, मेरी दादी ने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। अरे भाई, ये देश आपकी मम्मी और आपकी कहानी सुनना नहीं चाहता है, ये देश आज तुष्टिकरण की बात सुनना चाहता है कि जो आपने तुष्टिकरण किया है, आपने देश को इतने सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मौजूदगी में शपथ ली। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और साथ ही वो पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं। हरिद्वार में किसान के नाम पर कृषि विभाग में करप्शन हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। 40 करोड़ के घपले की फाइल गायब है और नकली खाद, उर्वरक, कीटनाशक बांटने पर अब कांग्रेस ने कृषि विभाग को घेरा है। उत्तराखंड का कृषि विभाग क्या किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रहा है? ये सवाल पिछले 3 साल में हरिद्वार का हाल देखकर खड़े हो रहे हैं, जहां 40 करोड़ रुपए की घपले की फाइल खोजने का काम सूचना आयोग ने डीएम को सौंपा है। पुराना घपला भी जिंक सल्फेट को लेकर था, अब भी उसी के नाम पर खेल हो रहा है। न्यूज 18 ने मंगलवार को खबर दिखाई थी कि कैसे हरिद्वार में जिंक सल्फेट का सैंपल नकली निकला, तो गुरुवार सुबह लगातार हरिद्वार में घूमने वाले कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के कृषि विभाग को क्या हो गया है, हरिद्वार के अंदर नकली खाद और नकली कीटनाशक धड़ल्ले से बिक रहा है। किसानों ने शिकायत की है कि उनको जिंक सल्फेट के नाम पर कोई नकली पदार्थ दिया गया है। हरीश रावत का आरोप मामूली नहीं है और उंगली सीधे हरिद्वार के मुख्य कृषि अधिकारी पर उठ रही है। वहीं कृषि मंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, जो गलती करेगा बख्शा नहीं जाएगा। पुष्पेंद्र सिंह धामी की सरकार पूरी पारदर्शिता से चल रही है। अगर कहीं ऐसी कोई शिकायत पाई जाएगी तो चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना कोई भी दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसको उसकी जगह भेजा जाएगा। नकली जिंक सल्फेट की 40 करोड़ रुपए की घपले की फाइल गायब है तो कृषि विभाग के कई अफसरों का नपना तय है। कृषि विभाग में करप्शन के मामलों को विपक्ष ने गंभीर मामला बताया है। 40 करोड़ का जिंक सल्फेट का घोटाला हुआ है, गंभीर विषय है। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच कराए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई पत्रावली गायब है। अब सचिवालय से पत्रावली भी अगर गायब होने लग गई है तो ऐसा लगता है कि सरकार को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। उद्यान और कृषि विभाग का काम किसानों के हित में काम करना है, लेकिन सेब के पौधों से लेकर कीटनाशक के नाम पर जिस तरह इन विभागों में खेल हो रहा है, उस पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो किसान के नाम पर करप्शन का खेल ऐसे रुकेगा नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और वहीं उत्तराखंड के निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने तक चुनाव कराए जाने हैं, लेकिन तय समय पर चुनाव हो पाएंगे इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि 4 जून तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहेगी और इस बीच में भी कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी होने के कारण निकाय चुनाव कराना संभव नहीं है। दूसरी टेक्निकल दिक्कत ओबीसी आरक्षण को लेकर है, जिसके लिए निकाय एक्ट में सरकार को संशोधन करना है। उत्तराखंड में कुल 102 निकाय हैं, लेकिन अभी सिर्फ 93 निकायों में चुनाव होना है। कुछ निकायों में अगले साल चुनाव होगा तो 3 निकायों में चुनाव नहीं कराया जाता है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि जैसे ही आरक्षण रोस्टर फाइनल होगा, चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। का चुनाव के लिए हमारी मतदाता सूची पूर्ण हो चुकी है, इसमें 93 नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में चुनाव होना है। इसके लिए हमने अपनी जो निर्वाचन सामग्री वगैरह सब तैयार कर ली है,
यूं ही शासन से आरक्षण का रोस्टर आता है, हमारी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराखंड में जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है और अभी भी प्रदेश भर में 20 से अधिक जगहों पर जंगल धधक रहे हैं। जंगल की आग की चपेट में आकर अभी तक एक शख्स की मौत भी हो चुकी है, जबकि एक वन कर्मी भी घायल हुआ है। लगातार बढ़ती जा रही गर्मी के मद्देनजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सभी डिवीजन को अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून में स्टेट कंट्रोल रूम में लगातार अलर्ट मिल रहे हैं और जहां से प्रदेश भर को सूचना भेजी जा रही है। फॉरेस्ट के स्टेट कंट्रोल रूम में है जहां से पूरे प्रदेश में फायर इंसिडेंट्स पर नजर रखी जा रही है। ये कंट्रोल रूम है, आप देख सकते हैं कि इसमें फॉरेस्ट के कर्मचारी बैठे हुए हैं जो 24 घंटे हमको बताया गया है कि ये कंट्रोल रूम यहां पर एक्टिव रहता है। कंट्रोल रूम किस तरह से काम करता है हम यहां पर पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश जी, ये 24 घंटे खुला 24/7। तो आप लोगों का क्या काम होता है? हमारी काम है कि जो भी फायर की सूचनाएं आती है, फायर के अलावा और भी सूचनाएं आती है, डिजास्टर की सूचनाएं आती है, ये सूचनाएं हम लोग लेकर के और जगह जगह भेजते हैं ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। अभी अगर सुबह से अभी तक की बात करूं मैं, तो आज कोई फायर अलर्ट आया कि कहीं कोई सूचना? सर फायर अलर्ट तो वैसे भी हमारे पोर्टल पे फोन्स भी आते ही रहे, सबके आ ही रहे हैं, पर हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर से आ रहे हैं अभी 5-6 फायर की सूचना आई है और हम लोगों ने सेक्टर्स को भेज दिया है। ज्यादातर सूचना आज कुमाऊं मंडल से आ रही है, वहाँ हम लोग रेंजों की सूचना भेजते हैं जहाँ जहाँ भी फायर लगी होती है। चिंता का विषय यह है कि इसमें वाइल्ड लाइफ एरिया में भी बड़े पैमाने पर फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अब इन पर किस तरह से काबू किया जा सकता है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गंभीरता के साथ सोचना होगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। पौड़ी जिले में लगातार जंगलों की आग में इजाफा हो रहा है। सिविल और रिजर्व फॉरेस्ट आग की चपेट में है, वहीं पर आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हुई है और अब रिजर्व फॉरेस्ट में 18 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें 35 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं और इसी के साथ सिविल फॉरेस्ट में रिजर्व फॉरेस्ट के मुकाबले ज्यादा आग की घटनाएं लग रही हैं। और वहीं वन विभाग का मानना है आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक वृद्धि होने से आग की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। इसमें जो है टोटल 35.55 हेक्टेयर का जो है जंगल प्रभावित हुआ है। वर्तमान में जो तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और आने वाले कुछ दिनों में IMD का प्रेडिक्शन है कि मौसम जो है शुष्क रहेगा, तो इसके चलते ये वनाग्नि घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। रुद्रप्रयाग जिले के कई हिस्सों में जंगल की आग से भारी नुकसान हो रहा है। जिला मुख्यालय के पास के सतीरा खाल क्षेत्र में अचानक से जंगल की आग बस्तियों के नजदीक पहुंच गई। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। काफी देर तक भारी मशक्कत के बाद ग्रामीण आग को बुझाने में सफल हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा भले ही बीते 4 सालों से बंद हो, लेकिन इस साल आदि कैलाश यात्रा को मानसरोवर की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए रोड 4 साल पहले ही पहुंच गई थी। चाइना बॉर्डर के करीब इन इलाकों तक रोड पहुंचने के बाद पर्यटन ने नए द्वार भी खोले हैं। प्रकृति के सौंदर्य से लबरेज इन इलाकों का खासा धार्मिक महत्व है, जिसे देखते हुए अब KMVN आदि कैलाश यात्रा शुरू करने जा रहा है। 13 मई से शुरू होने वाली इस यात्रा में 18 दलों के 600 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन कराए जाएंगे। KMVN में जो भी हमारे मानसरोवर मार्ग में जितने भी इनके TRC हैं, इन्होंने सब अपग्रेड कर लिए हैं। सारी तैयारी इनके आवास और भोजन की व्यवस्था कर ली गई है। लगभग जो है 400 से 500 पर्यटकों की बुकिंग जो वर्तमान में KMVN द्वारा कर ली गई है। BRO ने इन इलाकों तक पहुँच बनाने के लिए रास्तों पर जमी बर्फ भी हटा दी है। बर्फ हटने के बाद गुंजी से ज्योलिंग कोंग और नाभी डांग तक सफर करना आसान हो चुका है। यही नहीं, रास्तों के खुलने के बाद प्रशासन ने इनर लाइन पास को भी हरी झंडी दे दी है।
बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश पहुंचने के बाद यहां पहुंचने की चाह हर किसी में नजर आ रही है। कोई आदि कैलाश यात्रा करना चाहता है या फिर नाविडांग की यात्रा करना चाहता है तो वो अभी जा सकता है, रास्ते क्लियर हैं। बीआरओ ने भी रास्ता खोल दिया है ऊपर का। पहले वहाँ स्नोफॉल काफ़ी हो रखी थी, लेकिन बीआरओ ने ऊपर आदि कैलाश और जोलिमगोंग जाने के लिए रास्ता खोल दिया है। तो जो भी अगर जाना चाहता है तो आईएलपी धारचूला से इशू हो रहा है, वो जा सकता है। आदि कैलाश यात्रा के जरिए जहाँ देश भर के लोग प्रकृति के इन खजानों से रूबरू होंगे, वहीं आम तौर पर सुनसान नजर आने वाले बॉर्डर के इलाकों में रौनक बढ़ेगी। ऐसे में तय है पर्यटन कारोबार को भी चार चांद लग सकेंगे। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन ओप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार के सिडको थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। यहां दिन दहाड़े एक युवक ने कंपनी के बाहर खड़ी हुई बाइक पर हाथ साफ कर दिया। नैनीताल की पंगूट देचौरी सड़क निर्माण के दौरान पर आए दिन दहाड़े हादसा हो गया और आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क निर्माण के दौरान मलबे की चपेट में आने से एक और शख्स घायल हो गया। बागेश्वर में आवारा जानवरों के आतंक से हर कोई परेशान है, नाराज लोगों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। हरिद्वार में एक धर्मशाला में ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर 6,000 की ठगी की गई है। हरियाणा के यात्रियों ने 4 कमरे बुक कराए थे। विश्व मलेरिया दिवस पर आज नैनीताल में लोगों को जागरूक किया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मच्छरों से बचाव की जानकारी दी। गर्मी शुरू होते ही बागेश्वर में पानी का संकट बढ़ने लग गया है। मंडल सेरा क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। नैनीताल में पानी की बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जल संस्थान में विरोध दर्ज कराया है। जल संस्थान ने बिना रीडिंग के ही भारी भरकम बिल जनता को थमा दिया। चारधाम यात्रा को देखते हुए एडीजी एपी अंशुमान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली और सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। केदारनाथ धाम में यात्रियों के लिए रेन शेल्टर बनाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को बारिश से बचाया जा सके। प्रसिद्ध कवि और कथावाचक कुमार विश्वास आज रात 8 बजे से हरिद्वार में रामकथा सुनाएंगे। हर की पैड़ी के मालवीय घाट पर अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। नई टिहरी शहर में गर्मी शुरू होते ही पानी को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मोलधार टेन शेड केमसारी क्षेत्र में तो 3-3 दिन छोड़कर पानी की सप्लाई हो रही है जिससे लोग प्राकृतिक स्रोतों और हैंडपंपों से पीने का पानी ढोने का मजबूर हैं। जल संस्थान के अधिकारी का कहना है कि पेयजल की समस्या को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है और जहां से भी शिकायत आती है उसका समाधान किया जाता है और टैंकरों से भी सप्लाई किया जा रहा है। अगर यदि कहीं पे कम पानी जाता है या कम दाब से प्रेशर से पानी जा रहा है तो उस जगह पे टैंकर के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सप्लाई की जाती है। उत्तरकाशी चिन्याली सौड़ के आर्च ब्रिज की डेस्क स्लिप खराब होने के कारण पुल से एक बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी गाड़ियां पुल से जा रखी हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुल के दोनों छोर पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और बैरिकेटिंग भी नहीं लगाई गई है जिससे बड़ी गाड़ियों की आवाजाही से पुल पर खतरा ना बना रहे, लेकिन फिर भी इस पुल पर बड़े बड़े ट्रक आ जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास सियोड़ा गांव के लिए अभी तक पुल निर्माण नहीं हो पाया है जिसके चलते मजबूरी में ग्रामीणों ने भागीरथी नदी पर खुद पत्थर बल्लियों और लकड़ियों की मदद से अस्थायी पुल का निर्माण किया। कुछ दिन पहले ही अस्थायी पुल बहने के बाद ग्रामीणों ने एक बार फिर से पुल को तैयार कर अपने लिए रास्ता बनाया। कई बार जल स्तर बढ़ जाने के बाद अस्थायी पुल लकड़ी का पुल बह जाता है।
और बात करते हैं चारधाम यात्रा की, तो 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर जबरदस्त जोश दिख रहा है। अब तक 14,88,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। न्यूज 18 ने दोनों कंट्रोल रूम का जायजा लिया। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।